धीरज गोहिल और उसका परिवार डरा हुआ है। इनका आरोप है कि इन्हें खौफजदा कर रखा है अंडरवर्ल्ड डॉन अश्विन नायक ने। गोहिल के मुताबिक अश्विन नायक ने पिछले हफ्ते उसे अपने दफ्तर बुलाया और वहां उसकी जमकर पिटाई की गई। गोहिल का ये भी कहना है कि अश्विन नायक ने उससे 15 लाख रुपए देने की मांग की और ना देने पर जान से मारने की धमकी दे दी। उसके जो बंदे रहते हैं अश्विन नायक के, उसके जो आजू बाजू रहते हैं, उन्होंने मुझे मारा, मेरा सर पकड़ा और फाइट मारा वगैरह, मेरा सर पकड़ के खड़ा किया और मुझे बोला कि पैसा तो तू देगा, तू किधर भी जा। फिर मैं खड़ा हो गया, मुझे मार पीटना रहेगा तो मन ही आता था। इस वारदात के बाद से गोहिल के घर वाले काफी घबराए हुए हैं। मेंटली डिस्टर्ब हो गए सब और रात को 2:30-3 बजे तक जागते ही रहते हैं। खाना पीना सब उड़ गए और मतलब बच्चे भी ज्यादा ही डर गए हैं। रात को हम लोग सोए नहीं है 3 दिन से, 2 दिन से तो हम दोनों ने खाना नहीं खाया है और मतलब डर ही लग रहा है ना। अभी सास को भी प्रॉब्लम है और एक ही है घर में कमाने वाला, और अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मैं और मेरे बच्चे तो रस्ते पे आने ही वाले हैं। दरअसल धीरज गोहिल की चचेरी बहन का धीरज के साथ एक फ्लैट के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी सिलसिले में वो डॉन अश्विन नायक से मिली। नायक ने मामले के निपटारे के लिए धीरज गोहिल को बुलाकर डराया धमकाया और मारपीट की। बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो अश्विन नायक ने बताया कि तेरे पास फ्लैट है, तेरे पास गाड़ी है, फोर व्हीलर गाड़ी है, तेरे पास प्रॉपर्टी इतना है, तो उसका पैसा क्यों, मेरा मेरा उसका है नहीं, और मैं पैसा क्यों दूँ, आपको भी पैसा क्यों दूँ मैं, वो हमारा घर का है, मैं आपको क्यों, आपके पास आपने मेरे को मारने का कारण क्या है। जब धीरज गोहिल पुलिस के पास गए तो पहले पुलिस ने FIR दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन जब गोहिल ऊपरी अधिकारियों के पास गए तो NM जोशी मार्ग पुलिस थाने ने अश्विन नायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। अब से करीब 3 साल पहले जेल से रिहा होते वक्त अश्विन नायक ने यह ऐलान किया था कि अब वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से संन्यास ले लेगा और अपनी बाकी की जिंदगी बच्चों की परवरिश करते हुए और रियल एस्टेट का बिजनेस संभालते हुए बिताएगा। लेकिन अगर गोहिल की ओर से लगाए गए आरोप सच हैं तो फिर यही संकेत मिलते हैं कि अश्विन नायक फिर से एक बार अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सक्रिय हो रहा है। 80 और 90 के दशक में मुंबई में जो 4 बड़े गैंग सक्रिय थे उनमें अश्विन नायक का गैंग एक था। एक बार अदालत ले जाते वक्त अश्विन नायक पर विरोधी गैंग के शूटरों ने हमला कर दिया और तब से वो व्हीलचेयर पर ही जिंदगी गुजार रहा है। ABP न्यूज ने इस सिलसिले में अश्विन नायक का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन नायक की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई।